घूमने फिरने के जगह कुछ दिखानी थी आपको भी। आज ब्रिटा जो है वो पहाड़ियाँ चढ़ेगा। पिंडी फाइनली आ चुके हैं। बैक लाइट जो है वो टूट गई थी, रास्ते में गिर गई थी। वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा। ईद मुबारक जी। अस्सलाम वालेकुम जी भाइयों, क्या हाल चाल है सब भाइयों का? ठीक ठाक और मज़े में सब भाई? मेरी तरफ से सब भाइयों को बहुत बहुत ईद मुबारक। बल्कि जब तक मेरा व्लॉग आता है ना, तब तक हो सकता है तीसरा या चौथा दिन हो ईद का, लेट भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे सिग्नल काफ़ी ज़्यादा स्लो है, जिसकी वजह से क्या उसे कहते हैं व्लॉग थोड़ा लेट हो जाता है। अब मौसम के हवाले से बात करें तो चेक करें क्या खूबसूरत मौसम है। अभी हमारे काफ़ी ज़्यादा प्लान थे घूमने फिरने के, जगह कुछ दिखानी थी आपको भी, लेकिन बारिश की वजह से सारा प्लान हमारा फ्लॉप हो गया। अब देखते हैं, बारिश रुक गई है वैसे तो, अगर तो थोड़ी धूप छूप निकल आई तो इंशाल्लाह फिर कहीं पे निकल जाएंगे, साथ कुछ आपको भी दिखाएंगे। आपके भाई ने ईद के लिए ब्लू कपड़े सिलाई करवाए हैं। इधर दसो ना, चेक करें बाकी वेदर ओवरऑल। हाँ 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 हाँ, इतने मजे की हवा। ब्लॉक रीटा 2 और जीएस और जीएस 150, ठीक है, तीनों जा रहे हैं कि अभी आए थे बाहर, एक दरबार है, चलते हैं यहाँ पे और दिखाते हैं आपको अंदर का सीन। हजरत जाफर बिन ज़ियाद मक्की, ये जो मैं आपको कब्र दिखा रहा हूँ ना, 9 गज़ लंबी है ये कब्र, ठीक है, आपको थोड़ी ज़ियारत करवा देता हूँ अंदर से भी। मैं अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें अंदर का, बाहर से कुछ ऐसे ही है दरबार, ठीक है। अब बैटरी एंड होने लगी है, हो सकता है मैं व्लॉग कल स्टार्ट करूँ। Day 2 तो सीन रात को इस तरह के हैं, ईद का दूसरा दिन है, दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो सबको। प्लान कुछ बिल्कुल ही चेंज हो गए हैं, वो इस तरह के थे कि मैंने गांव में जाना था, एक जगह थी वो एक्सप्लोर करनी थी, लेकिन उधर आज मौसम नहीं था जाने का, तो मैं और अरबाज सीधा बैठे हैं गाड़ी पे, उतरे हैं पिंडी वहाँ पे, यहाँ से जा रहे हैं अब आगे एक जगह है, लेकिन जा रहे हम ग्लॉक पे नहीं है, ब्रिटा पे हैं। आज ब्रिटा जो है वो पहाड़ियाँ चढ़ेगा। नंबर प्लेट ब्रैकेट जो है इसकी टूट चुकी थी, 7वीं नंबर प्लेट ब्रैकेट, अब ये एक कोर नहीं लगाई है, फिर से ये लगानी है, अब इंस्टॉल करनी है इसमें, ये उतारते हैं जल्दी से, बस अब निकलते हैं 70 पे। आपको पता है ये हेलमेट बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन मोटो ब्लॉगिंग करनी है तो ये मुझे लेके जाना पड़ेगा जी। खाने पीने का उधर डिसाइड करते हैं, या तो मनाल जाना पड़ेगा या फिर ऐसी जगह पे जो रास्ते में आए और हम बआसानी जो है ना चले जाए। अब निकलते हैं, टाइम तकरीबन हो गया है, बारजी क्या है टाइम, दो तकरीबन हो गया, उसके बाद हमने हो सकता है आज ही गाँव जाए, यहाँ से हम अपना सफर स्टार्ट कर रहे हैं। देखो कैसा हमारा सफर गुजरता है, अल्लाह करे हर हरिये से गुजरे। वाई बी आर आ रहा है ये मेरे ख्याल में, भाई वीडियो देखते रहे। अच्छा वाई बी आर कह रहा हूँ, ग्लोक को मैं, ग्लोक कह रहा हूँ, ब्रिटा को मैं गाँव में लेके जाता रहा, लेकिन के पी के वाले साइड पर आज मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, देखो कैसा रहता है। पेट्रोल वगैरह वो मुक्का पड़ा है इसमें ब्रिटा में, पेट्रोल पंप ढूंढना मिशन है एक यहाँ पे, पर देखो रास्ता वगैरह पूछ के कहीं ना कहीं ढूंढ लेंगे। भजन पेट्रोल पंप की साइड पे है, पेट्रोल पंप को तलाश करते करते पता नहीं कौन सी जगह है, ये है तो बड़ी खूबसूरत वैसे, ग्रीनरी बड़े मज़े की है, लेकिन है पता नहीं कौन सी जगह जिधर हम आ गए, तो देखो पता नहीं अभी यहाँ से भी आगे बंदे कोई नज़र आ रहे हैं, उनसे पता करते हैं कि पेट्रोल पम्प किस साइड पर है। भजन पेट्रोल पम्प, पेट्रोल पम्प है। अच्छा भाई से रास्ता पता किया है पेट्रोल पंप का, भाई ने बताया है वो जो पहाड़ियाँ आपको सामने नजर आ रही हैं, बस वहाँ भी चलते हैं। भैया पेट्रोल पंप वो है एक इस मार्केट में आगे जो जाना है क्या ना, उधर भी है। हाँ इधर थोड़ा सा कि जाना है, इधर भी है। पास कौन सा ज्यादा, ये इसमें नजदीक है। ठीक हो गया मेहरबानी। ये जो इस्लामाबाद की ग्रीनरी है ना, लव है अपना, चेक करें हर तरफ दरख्त दरख्त, यहाँ पे रील बड़े मजे की बनती वैसे, तो बस धक्के मुक्के खा के पता करके आखिरकार हमें मिल गया, बस जा रहे हैं पेट्रोल वगैरह फुल करवाते हैं, उसके बाद निकलते हैं। रास्ते में कहीं दो खाना दे दे तो मैंने कहा चलो एहतियात अच्छी है। शुक्र शुक्र पाकिस्तान की सबसे महंगी जगह पे पहुंच चुके हैं हम, जो इस वक्त अरूज पे है,
बस यहाँ पे 1000-2000 का जितना भी हुआ पेट्रोल वगैरह डलवा के निकलते हैं आगे। You suppress all of the thoughts in your head and say it's complicated. ऊपर जाना है मजीद। बैक लाइट जो है वो टूट गई थी, रास्ते में गिर गई थी, पता नहीं डबल टेप्स के साथ लगाई इतना तो गिर गया। चेक करें टूर आ रहे हैं, सुजुकी 150 और फिर से सुजुकी 150 और यामाहा YBR, जबरदस्त। ब्लॉग में से निकाल रहा, साथ साथ जो मोटर ब्लॉगिंग है वो वजह ये है कि माइक ही नहीं लगा तो फायदा नहीं है, मज़ा नहीं है। फाइनली जी मुनाल आ चुके हैं, आज वैसे फैमिली को ही खाली आने दे रहे थे लेकिन फिर भी एक बंदा था जिसको बोल के हम आ गए हैं। यहाँ से व्यू एंजॉय कर रहे हैं, खाना शाना आए, खाना शाना खाते हैं उसके बाद मज़ीद आगे चलते हैं। बट जी टाइम क्या है गया ना कर, 4 हो गए और उस जगह पे इंशाल्लाह किसी दिन जाएंगे मज़ीद। बाकी ओवरऑल व्यू बड़े मज़े का आ रहा है, यहाँ से मौसम भी मज़े का है, धूप है, गर्मी थी नीचे लेकिन ऊपर आए हैं ना, अब ऊपर आए हैं तो मौसम A1 हो गया, अगर टाइम मिला तो फिर भी गाँव वापस जा सकेंगे। टाइम से मोटो व्लॉगिंग करनी थी लेकिन माइक मेरा जो है ना वो ख़राब हो गया, वो बड़ा दुख हो रहा है मुझे। बड़े मज़े के मोटो व्लॉग बनते आज लेकिन नहीं। हमारा जो प्लाव है ली आ चुका है, ये प्लाव आ गया, बस ये खाते हैं, उसके बाद दो चीज़ें और हैं डेजर्ट में वो खा लेंगे। खाना शाना खा लिया हमारा, डन हो गया। जो ब्रीटा है वो बाहर पार्किंग में लगाया था, ब्रीटा को पकड़ते हैं आगे ऊपर निकलते हैं KPK वाली साइड पे। ब्रीटा ये मैं लगा के चला गया था, यहाँ पे बड़े हालात ख़राब हैं। अपने सफ़र को जहाँ तक दिल माना वहाँ तक चले जाएंगे, जहाँ पे दिल भर गया वहाँ से वापस सीधा। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लड़के आए हैं टूर वगैरह करने के लिए बाइक्स पर, मतलब कि ज़्यादातर जो यहाँ पर बाइक नज़र आ रहे हैं सुजुकी 150 या फिर YBR 125, और उसके अलावा बनेली वगैरह कुछ हैं जो टूर के लिए आए हुए हैं। रश बहुत ज़्यादा है, ईद का दूसरा दिन है इस वजह से फैमिलीज आई हुई हैं बहुत ज़्यादा। वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पे हमारा आ गया जी ब्रीटा। खैबर पख्तूनख्वा में अभी हम ढूंढ रहे हैं डायनो वैली, ठीक है, डायनो वैली ढूंढ रहे हैं। वैसे आज हमारा प्लान जो है एक जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, क्योंकि मरगिला तो मैं आता रहता हूँ तो, लेकिन वो जो जगह है ना बहुत ही खूबसूरत और यूनिक थी, उधर जाने का प्लान था लेकिन वो सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि वहाँ जा नहीं सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कहीं ग्लोक पे चले जाएंगे या किसी और बाइक पे। साथ वजह ये भी थी कि माइक भी नहीं था मेरे पास तो मज़ा नहीं आता मोटो व्लॉग का। मैंने कहा जिस दिन माइक पूरा सेटअप मेरा कंप्लीट हो जाएगा उस दिन इंशाल्लाह वहाँ भी चले जाएंगे। ठीक ठाक शुक्र अल्लाह। एक व्यू पॉइंट पे रुके हैं वो इस वजह से नंबर प्लेट ब्रैकेट हमारी 8वीं भी चली गई है तो और यहाँ पे बस ये व्यू है, अब वापस घर की तरफ जा रहे हैं, हो सकता है आज ही गांव की तैयारी बन जाए। नंबर प्लेट ब्रैकेट तरवा के वापसी की तरफ रवा दवा, और अब आगे सीज़न जो है ना गाँव की तरफ वो बड़ा हैवी आ रहा है फसलों वाला, ठीक है, फसलों वगैरह की कटाई होगी, कोशिश करूँगा वो भी आपको दिखाऊँ लेकिन उससे पहले मुझे वापस पिंडी आना पड़ेगा दोबारा, वही रूटीन शुरू करेंगे बाइक्स वाली, वापस रैप शैप भी सेट करवाने हैं और काफ़ी काम है मेरे तो वो डन करेंगे। बाकी है कि बाइक को इसी तरह सपोर्ट करते रहना, दुआ में याद रखना बाइक को, उम्मीद है कि पसंद आया होगा व्लॉग, मोटो व्लॉग हम अपना इंशाल्लाह प्रोफेशनल जो है वो आगे ऑटो शोज़ आने वाले ऑटो शोज़ में स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, याद रखिएगा वीडियो पसंद है कमेंट्स में लाजमी बताना, इंस्टा पर फॉलो मार देना। अल्लाह हाफिज़।